नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल पटेल, डायरेक्टर ऑफ सोफ्ताम एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूँ सोफ्तामो की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर। हर बार की तरह इस बार भी कुछ अलग टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं। हमारे जो वीडियो रहते हैं नॉर्मली हमारे रिसर्च बेस पे ज़्यादा रहते हैं हर बार, और कुछ कुछ वीडियोज ऐसे रहते हैं जो स्टूडेंट की डिमांड पर भी हम लोग बनाते हैं। तो आज का ये जो वीडियो है पर्टिकुलरली स्टूडेंट डिमांड पर बनाया गया वीडियो है। कुछ स्टूडेंट का रिक्वायरमेंट था कि सर कौन सा यूनिवर्सिटी बेटर है दोनों फेडरल के अंदर, फार ईस्टर्न फेडरल और क्रीमिया फेडरल के अंदर। तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे ये वीडियो हम लोग बनाने जा रहे हैं कि यहाँ पे उस किसका क्या प्लस पॉइंट है, किसका क्या माइनस पॉइंट है, वो आपको क्लियरली जानने को मिलेगा। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे निवेदन है कि अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब जरूर से कर लें, या कि आप आने वाले वीडियो के भी बेनिफिट ले पाए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं फार ईस्टर्न फेडरल मेडिकल यूनिवर्सिटी एज वेल एज क्रीमिया फेडरल मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में। अगर बात करेंगे दोनों यूनिवर्सिटी की, तो दोनों एक रिलायबल ऑप्शन है एज अ मेडिकल एजुकेशन। दोनों यूनिवर्सिटी की अगर बात करेंगे तो फार ईस्टर्न फेडरल मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है करीबन 200 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है, जबकि क्रीमिया फेडरल मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है वो करीबन 100 प्लस पुरानी यूनिवर्सिटी है। एस्टैब्लिशमेंट की बात करेंगे तो फार ईस्टर्न फेडरल मेडिकल यूनिवर्सिटी का एस्टैब्लिशमेंट जो हुआ था 1899 में हुआ था। क्रीमिया की बात करेंगे तो क्रीमिया फेडरल, जैसे हम सबको मालूम है पहले यूक्रेन का पार्ट था क्रीमिया, तो उस टाइम पे 1918 से एस्टैब्लिशमेंट हुआ है। और उसके बाद जब रशिया में आया, पहले उसका नाम क्रीमिया स्टेट था, और रशिया में आने के बाद 2014 के बाद उसका नाम चेंज हो गया और उसका नाम हो गया क्रीमिया फेडरल। इंग्लिश कोर्स कब शुरू किया गया वहाँ पे उसकी अगर हम लोग बात करेंगे तो फार ईस्टर्न फेडरल मेडिकल यूनिवर्सिटी में 2013 से इंग्लिश में MBBS का कोर्स का प्रारंभ किया गया, जबकि क्रीमिया फेडरल की हम लोग बात करेंगे तो यूक्रेन में तो ऐसे भी इंग्लिश एजुकेशन ही अवेलेबल है, तो 1997 से वहाँ पे मीन्स की 1997 से वहाँ पे इंग्लिश कोर्स अवेलेबल है। दोनों यूनिवर्सिटी के लोकेशन की अगर हम लोग बात करेंगे तो फार ईस्टर्न फेडरल जो है वो व्लादिवोस्तोक सिटी है, वहाँ पे आया हुआ है, जबकि क्रीमिया फेडरल जो है वो सिम्प्रोफोल सिटी के अंदर आया हुआ है। व्लादिवोस्तोक का हम लोग बात करेंगे डिस्टेंस की, तो यहाँ पे थोड़ा एक दिक्कत वाला माहौल हो जाता है, क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम द कैपिटल, कैपिटल यानी कि मॉस्को से, मॉस्को से व्लादिवोस्तोक का जो डिस्टेंस है वो करीबन 9000 किलोमीटर दूर है, यानी कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री। अगर आप यहाँ से इंडिया से मॉस्को का डिस्टेंस काउंट करेंगे तो आपको करीबन 5-6000 किलोमीटर में ख़त्म हो जाता है, जबकि वो उससे भी ज़्यादा डिस्टेंस आपको दूसरा ट्रैवल करना रहेगा तब जाके आप व्लादिवोस्तोक पहुँचोगे। यानी कि बाय रेल भी आप जाते हो, बाय ट्रेन भी जाते हो, तो करीबन 11 टाइम जोन है रशिया के, वो कवर करके आप वहाँ तक पहुँच पाओगे। यानी कि 120 जितने रेलवे स्टेशन है वो आपको कवर करने पड़ेंगे तब जाके आप वहाँ पर पहुँचोगे। 9000 किलोमीटर का ट्रैवल करके आप वहाँ से ही सोच सकते हो कितना डिस्टेंस क्रॉस करना है आपको। जबकि क्रीमिया फेडरल की अगर हम लोग बात करेंगे तो करीबन 1400 किलोमीटर दूर है वहाँ से, मॉस्को से, तो वो बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों सिटी का अगर पॉपुलेशन का हम लोग बात करेंगे तो व्लादिवोस्तोक का जो पॉपुलेशन है वो करीबन 6,05,050 के आसपास, यानी कि 6,00,000 के आसपास का पॉपुलेशन है, जबकि क्रीमिया फेडरल का जो पॉपुलेशन वो करीबन 3,32,000 के आसपास का है। लिविंग कॉस्ट की बात करेंगे तो व्लादिवोस्तोक है वो थोड़ा महंगा है कंपेयर टू द क्रीमिया। व्लादिवोस्तोक का अगर लिविंग एक्सपेंस की बात करेंगे करीबन मॉस्को के कंपेरेटिवली उसका लिविंग कॉस्ट रहता है, यानी कि क्रीमिया से करीबन 10-12% जितना महंगा रहेगा वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड आपके लिए। इसके बाद अगर सबसे बड़ी बात करेंगे एक्रेडेशन के बारे में, एक्रेडेशन में अगर बात करेंगे तो फार ईस्टर्न फेडरल मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो एक्रेडेशन है वो MCI से एक्रेडिटेड है, वैसे ही WHO से भी एक्रेडिटेड है, लेकिन ECFMG से एक्रेडेशन नहीं मिला है अभी तक उसको, जो कि अगर आपका ड्रीम अगर PG करने के लिए US है तो वहाँ पे आपको दिक्कत क्रिएट करेगा। क्रीमिया की अगर बात करेंगे तो क्रीमिया के पास तीनों एक्रेडेशन अवेलेबल है, MCI भी अवेलेबल है, WHO एक्रेडेशन भी अवेलेबल है, एंड ECFMG एक्रेडेशन भी अवेलेबल है। स्टूडेंट्स की बात करेंगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात करेंगे आप तो करीबन 24,000 स्टूडेंट है फार ईस्टर्न फेडरल मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर, जबकि क्रीमिया फेडरल के अंदर करीबन 32,000 के स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं आज के डेट में। और उसी स्टूडेंट में से अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट की अगर बात करेंगे तो करीबन 3,500 प्लस स्टूडेंट जो है वो फार ईस्टर्न फेडरल में पढ़ाई कर रहे हैं, जबकि क्रीमिया के अंदर करीबन 3,000 प्लस स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं। लिविंग एक्सपेंस यानी कि हॉस्टल की अगर हम लोग बात करेंगे तो हॉस्टल के अंदर फार ईस्टर्न फेडरल का हॉस्टल लिटल बिट सस्ता है कंपेयर टू द क्रीमिया, एज वेल एज नया बिल्डिंग है वहाँ पे कंस्ट्रक्टेड,
का लिविंग स्टैंडर्ड वहां का बढ़िया है, जबकि क्रीमिया के अंदर तीन के टाइप के हॉस्टल्स अवेलेबल है, $250 के अंदर आपको वहां का जो पुराना गवर्नमेंट हॉस्टल है वो अवेलेबल है। उसके अलावा जो प्राइवेट हॉस्टल है जिसका चार्जेस आपको करीबन $600 से लेके $1000 तक पे करना पड़ेगा। उसके बाद अगर बात करेंगे हम लोग अगर फैकल्टीज की कितनी ब्रांचेज है वहाँ पे, तो फार ईस्टर्न फेडरल के अंदर करीबन 9 जितनी ब्रांच है, जबकि क्रीमिया के अंदर 23 ब्रांचेज अवेलेबल है। और उसके बाद अगर टीचर की बात करेंगे तो फार ईस्टर्न फेडरल के अंदर करीबन 2200 से 2200 जितने टीचर वहाँ पे अवेलेबल है, जबकि क्रीमिया के अंदर करीबन 7000 प्लस टीचर आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की अगर बात करेंगे तो फार ईस्टर्न फेडरल मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के साथ, जो कि 240 प्लस है, जबकि क्रीमिया फेडरल का जो कोलैबोरेशन है वो करीबन 160 प्लस यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन है। अगर ट्यूशन फीस के बारे में बात करेंगे तो फार ईस्टर्न फेडरल मेडिकल यूनिवर्सिटी की जो फीस है वो करीबन 295,000 रूबल के आसपास है, जबकि क्रीमिया फेडरल है उसका करीबन 250,000 रूबल के आसपास का फीस है। मीन्स उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं बोल सकते यहाँ पे, करीबन 30-40,000 रूबल का, यानी कि 50,000 रुपये के आसपास का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर बात करेंगे एंट्रेंस एग्जाम की, तो दोनों यूनिवर्सिटी के अंदर विदाउट एंट्रेंस एग्जाम एडमिशन पॉसिबल नहीं है। कोई भी आपको बताता है कि विदाउट एंट्रेंस एग्जाम एडमिशन हो जाएगा तो वो गलत बात है, तो वहाँ से थोड़ा बच के रहना ज़रूरी है आपको। क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो फार ईस्टर्न के अंदर आपका एज जनरल कैटेगरी, अगर जो इंडियन नॉर्म्स है उसके हिसाब से जनरल कैटेगरी का 50% रिजल्ट होना ज़रूरी है 12th के अंदर पीसीबी सब्जेक्ट के अंदर, एज वेल एज एससी एसटी ओबीसी अगर कैटेगरी है आपका तो वहाँ पे आपका जो रिक्वायरमेंट है वो करीबन 45% के आसपास का है, जबकि क्रीमिया फेडरल के अंदर आपका 6% मार्क्स बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री का होना ज़रूरी है। अगर वो नहीं होगा तो आपका एडमिशन वहाँ पर पॉसिबल नहीं है। उसके अलावा नीट की रिक्वायरमेंट की बात करेंगे तो नीट क्वालिफाइड होना दोनों में ज़रूरी है एज पर एज गवर्नमेंट नॉर्म्स एज ऑफ नाउ। अगर इन फ्यूचर गवर्नमेंट अगर कोई डिसीजन चेंज करती है तो उसका इफेक्ट यहाँ पे भी होने वाला है और दूसरी यूनिवर्सिटी पे भी सिमिलर इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, लेकिन उसका अभी तक वो पिटीशन फाइल किया हुआ है जो उसका डिसीजन पेंडिंग है, वो मे बी शायद 20 तारीख के बाद आपको मिल सकता है। अगर वर्ल्ड रैंक के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो यूनिरैंक के हिसाब से, यानी कि 4ICA.com के हिसाब से फार ईस्टर्न फेडरल मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो वर्ल्ड रैंक है वो करीबन 1368 है और कंट्री रैंक जो है वो 25 है। जबकि अगर क्रीमिया फेडरल की हम लोग बात करेंगे तो क्रीमिया फेडरल का जो वर्ल्ड रैंक है वो करीबन 3512 है और उसका जो कंट्री रैंक है वो फार ईस्टर्न से थोड़ा बेटर है, वहाँ पे वो 19 है यानी कि 19 है। और उससे आगे एक स्टेप अहेड अगर हम लोग बात करेंगे तो FMGE के रिजल्ट के बारे में, तो फार ईस्टर्न फेडरल मेडिकल यूनिवर्सिटी का एक भी बैच अभी तक वहाँ से बाहर नहीं निकला है, तो आपको FMGE में फार ईस्टर्न फेडरल का कोई भी नाम दिखने को नहीं मिलेगा, जबकि क्रीमिया फेडरल बहुत पुराना यूनिवर्सिटी है और MCI में रजिस्टर्ड है ऑलरेडी यूक्रेन के टाइम से, तो उसका 3 बार का रिजल्ट वहाँ पे आपको शो करेगा। 2014 का जो NBME बोर्ड ने जो रिजल्ट रखा हुआ है जहाँ पे करीबन 38.7% रिजल्ट है वहाँ पे क्रीमिया फेडरल का। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे 2018 के बारे में तो वहाँ पे जबकि क्रीमिया फेडरल का 312 बच्चों ने एग्जाम दिया था और 84 स्टूडेंट क्वालिफाइड हुए थे, यानी कि रिजल्ट जो था वो 26.92 था। उसके बाद अगर 2019 की बात करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा NBME बोर्ड ने थोड़ा गलती किया हुआ है। गलती वो हुआ है कि क्रीमिया फेडरल का जो नाम है वो बाय मिस्टेक उन्होंने रशिया की जगह पे यूक्रेन में लिख दिया है वापस, और वहाँ पे जो रिजल्ट दिखाया जा रहा है वहाँ पे 311 बच्चों ने करीबन एग्जाम दिया था जिसमें से 125 बच्चे क्वालिफाइड हुए थे, यानी कि यहाँ पे जो रिजल्ट है वो शो कर रहा है 40.19%। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट हर एक चीज़ कंपेयर करने को ट्राई की है, तो यहाँ पे अगर नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट की बात करेंगे तो फार ईस्टर्न फेडरल मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो पॉजिटिव पॉइंट है वो क्या है, तो उसका एक तो वर्ल्ड रैंक सबसे बढ़िया है, दूसरी बात उसका जो अकोमोडेशन है वो काफ़ी प्रीमियम है, नया बिल्डिंग है, नया कंस्ट्रक्शन है पूरा, टीचिंग स्टाफ भी काफ़ी वहाँ पे अच्छा है, ये एक प्लस पॉइंट आप बोल सकते हो, फीस भी रिजनेबल है। उसके सामने अगर उसके नेगेटिव पॉइंट की बात करेंगे तो इसी FMGE अप्रूवल नहीं है उसके पास आज की डेट में, दूसरा अगर उसका एक भी अभी तक स्टूडेंट बैच बाहर नहीं निकला है, मीन्स कहीं पर भी उसका FMGE में नाम देखने को नहीं मिलेगा आपको, ये दो आप माइनस पॉइंट उसके लिए बोल सकते हो। थर्ड जो है वो है उसका ट्रैवल पार्ट, जो कि काफ़ी डिस्टेंस है मॉस्को से, वो एक सबसे बड़ा दिक्कत हो सकता है। और अगर वही बात में क्रीमिया फेडरल की बात करेंगे तो क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी के प्लस पॉइंट क्या है और माइनस पॉइंट क्या है, तो प्लस पॉइंट की अगर हम लोग बात करेंगे तो फीस रीजनेबल है,
उसका अगर FMG का रिजल्ट है वो काफ़ी बढ़िया है। उसके अलावा उसका अकोमोडेशन वहाँ पे तीनों टाइप का अवेलेबल है, एक प्लस पॉइंट आप बोल सकते हो, और हर एक टाइप का एक्रेडेशन अवेलेबल है। और उसके सामने अगर नेगेटिव पॉइंट की बात करेंगे तो वर्ल्ड रैंक में थोड़ा पीछे है कंपेयर टू द फार ईस्टर्न। दूसरा उसका अगर माइनस पॉइंट बोल सकते हो तो जो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है, मैं दोनों यूनिवर्सिटी का खुद का एक पहलू है जो आपको समझना ज़रूरी है, उसके बाद ही आप एडमिशन के लिए सोचिएगा वहाँ पे। बजट वाइज दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और कम्प्लीटली इंग्लिश मीडियम एजुकेशन मिलेगा फेडरल यूनिवर्सिटी में, वो एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। दूसरा एक बात हुआ था जो हमारे वहाँ पे चैनल पे किसी स्टूडेंट ने एक कमेंट डाला हुआ था कि GMC रजिस्ट्रेशन का इशू है क्रीमिया फेडरल के अंदर, जिसके ऊपर हम लोग का रिसर्च चालू है आज की डेट में, वो एक बार कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि उसके बारे में भी हम लोग वीडियो बना के आपको बताएंगे इस चीज़ के लिए, क्योंकि जो चीज़ नेगेटिव है वो नेगेटिव है, जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव है, वो आपके सामने लाना और उजागर करना ज़रूरी है हमारे लिए। तो दोस्तों आज का ये वीडियो शायद आपको पसंद आया होगा, अगर आपको पसंद आया है लाइक करना ना भूलें, एज वेल एज अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करें, और अगर ये चैनल आपको अच्छा लगता है सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कोई भी आपको डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, जो भी कमेंट है आपको माइनर क्वेश्चन होगा या मेजर होगा, जो भी होगा हम लोग ट्राई करेंगे सॉल्व करने के लिए। और उसके अलावा आप दिए गए नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, एज वेल एज हमारी वेबसाइट पर जाके आप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो। और यहाँ पे दोनों यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन अगर आपको लेना है तो जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहेगा वो रहेगा आपका 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, आपका नीट का जो आपने फॉर्म फिलअप किया था वो फॉर्म का एक कॉपी, एज वेल एज आपका पासपोर्ट या आपका आधार कार्ड। इतनी चीज़ें हमको चाहिए अभी आपके पास से, उसके बेस पर आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हम लोग शुरू कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, टेक केयर।